मैं हूँ करीमा, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि हमारे घर में सेरेमनी होने वाली है मुंडन की, तो उसके लिए सारे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आज है 19 तारीख, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं लखनऊ से इसी फंक्शन के लिए। तो आज वो आए तो उनको मैं लेने जा रही हूँ एयरपोर्ट। उसके बाद ही धीमे धीमे सारे गेस्ट आ रहे हैं। 22 तारीख को हमारे घर पे एक पूजा है। एक्चुअली हमने एक घर नया घर लिया है, तो उसका घर प्रवेश है 22 तारीख को, तो वो भी वो अटेंड करेंगे। तो आज उनको लेने जा रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो आ रहे हैं। तो अभी मैं एयरपोर्ट पहुँची हूँ, काफ़ी लेट हो रहा है तो जल्दी निकलती है एयरपोर्ट के लिए। ओला मैंने बुक करा ली है, बस 5-7 मिनट में आ रही है, तो निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए और लेके आते हैं मम्मी पापा को घर। हमने रास्ते में खूब सारी बातें की, काफ़ी मज़ा आया। और ये हमने घर लिया है, ये रहने के लिए नहीं लिया है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है। रहते तो हमारा रहने के लिए तो हमारे पास घर है, तो इसी का घर प्रवेश था, पूजा करवानी थी, तो ये घर है ये हमारा। तो इसको हमने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रखा था, छोटा मोटा डेकोरेशन कर रखा था, तो इसी की पूजा होनी है। हाथ में चावल और फूल सबको दे दीजिए, कथा सुना। भजमन नारायण 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 से ये फ्रेंड्स, अब हो कि 25 अक्टूबर, सारे गेस्ट आ चुके हैं। ये हमारी बड़ी बुआ जो बाराबंकी से आई थी, और ये मम्मी बैठी है मेरी, और ये है रियांश और वो है आयांश, खेल रहा है। और सारे गद्दे बिछ चुके थे। ये रितु है चाची जी की बेटी, ये छोटी चाची है हमारी। और ये है नमेश। और सब बच्चे इतने खुश थे, गद्दे पड़ गए थे, ऐसा लग रहा था माहौल बन गया था कि हाँ भाई गेस्ट आ रहे हैं हमारे, और बिल्कुल शादी वाला माहौल लग रहा था। पूरे घर पे गद्दे बिछे हुए थे हर तरफ, बच्चे मस्ती करने स्टार्ट हो गया था बच्चों का, तो काफी अच्छा लग रहा था। पैसे दिखानी पड़ा लोगों का। क्या कर ले हो? और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। मैं आई थी किचन में देखने के लिए क्या बन रहा है, तो ये स्टफ्ड पराठे सीख रहे थे गर्मा गर्म। जब मौसम अच्छा होता ना, तो स्टफ्ड पराठे और चटनी के साथ तो खाने का अलग ही मजा है। तो ये अब तैयार हो गए थे पराठे। ये हैं फ्रूट्स, पराठे, चटनी सब खोलो, दही
खोलो कहाँ गया था खाली दही कहाँ गया दही ये रहा यार अरे दही इनविजिबल दही है तो वो बाबू वही चलो चलो खाओ 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 सब लोग खाओ गिलास चाय आने दो पहले चाय आने दो खा लेने वैसे लग रहा कभी चाची दही दूं मैं आपको ये चीनी वाली है ना और अब हो गई थी दोपहर तो हम सब बैठ के लंच कर रहे थे सारे गेस्ट को पहले खाना खिला दिया गया था तो लास्ट में हम सब लंच करने बैठे थे तो जो खाना लंच में था वो बिल्कुल सिंपल था दाल चावल सब्जी रोटी जो कि बहुत ही अच्छा बना था क्योंकि इवनिंग में नॉनवेज बनना था छोटी सी पार्टी थी इवनिंग में तो हमने दिन में बहुत ही सिंपल खाना रखा था तो हम सब खाना अपना एंजॉय कर रहे थे इसके बाद थोड़ा आराम करेंगे फिर इवनिंग की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी तो धीमे धीमे सारे गेस्ट आना और भी गेस्ट आना शुरू हो गए थे तो जल्दी जल्दी लंच हम निपटा रहे थे क्योंकि हमें थोड़ी तैयारी करनी थी इवनिंग की तो खाना बहुत ही औसम बना था हम सबने काफ़ी एंजॉय किया लंच बनने शक्कर पारे और इसके साथ साथ नमक पारे और लड्डू भी बने थे जिसके हमें बॉक्स बनाने थे लोगों को देने के लिए तो इनके बनने का काम स्टार्ट हो गया था और ये बहुत ही अच्छे बने थे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे और ये गुलाब जामुन बने थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे इसे हमने लंच के बाद सबको खाने को दिया था तूने अपना भी खींच लिया तेरे चम्मच कहाँ गई मम्मा चाहिए अच्छा मम्मा ये लो मम्मा कहाँ गया मम्मा तो लेंगे अच्छे बनाया फिर उसने इधर रियांश यहाँ पर रियांश भिंडी मसाले वाली तो बोला था लेकिन इतना मसाला नहीं बोला भिंडी कम देने बड़ा मसाला ज्यादा बच्चे लड़ पड़े आपस में नाक पूछो रोनी 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 ए रसगुल्ला खा रहा है
और एक जिद कर रहा है कि वो भी खाएगा अपने आप। क्या चाहिए बताओ, जूस का है? जूस नहीं है, रसगुल्ला है भैया, गुलाब जामुन खा रहा है वो। लियांश हेलो भाई, ठीक है। और ये हमारे मेरठ वाले मामा जी हैं जो हमें ट्रेन कर रहे हैं कि डिब्बे को कैसे फोल्ड करते हैं जिससे कि वो अपना शेप ले ले। डिब्बे खुले हुए आए थे तो हमें उन्हें फोल्ड करना था और सभी को काम पे लगा दिया था, भैया अनु भैया, आशु भैया, मैं, शेफाली, मामा जी, सभी डिब्बे को फोल्ड करने में लगे हुए थे। तो और साथ में मैच भी इंजॉय कर रहे थे हम लोग। तो अभी काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले थे तो उससे पहले हमें सारा काम कर लेना था और ये नमक पारे, लड्डू, शक्कर पारे बनकर तैयार हो गए थे, इन्हें डिब्बे में पैक करना था। तो इतने सारे डिब्बे हमने बना लिए थे, इसमें सामान सारा डाल दिया गया था। तो अभी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो जो गेस्ट आएंगे उनको दिए जाएंगे। तो ये सारा काम था जो हम कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आ रही थी, सब साथ बैठ कर रहे थे, काफ़ी इन्जॉय हो रहा था। पार्टी स्टार्ट हो गई थी, कॉपीराइट की वजह से मैं आपको सॉन्ग्स नहीं सुना पा रही, काफ़ी तेज लाउड म्यूज़िक बज रहा था, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बज रहे थे और गेस्ट आ रहे थे और हम बस रेडी हो गए थे पार्टी के लिए। और फ्रेंड्स, ये है हमारी सबसे छोटी बुआ जो कि कानपुर से आई थी। तो ये सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई थी, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी हम सभी के लिए। तो बुआ जी आप आए हमारे लिए, यही बहुत था और थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट्स। नहीं पता मुझे कैसे। अच्छा ये वाला करो क्या, ये वाला? हाँ, नहीं ये नहीं। एक तो ये हर समय झूठी उसके चक्कर में। सब लोग एक दूसरे के पैर छूते हुए। और आज है मुंडन का दिन, तो अभी इस समय मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये रेड कलर का चुन्नी वाला सूट पहना हुआ है और पंडित जी आ गए हैं, बाल कथा होने वाली है। तो अभी कथा होगी, उसके बाद लंच मुंडन होगा, उसके बाद लंच होगा, उसके बाद शाम को बैंक्वेट में, मतलब रेस्टोरेंट है वहाँ पर पार्टी है। तो आपको मैं दिखाती हूँ बाहर, देखिए। और ये है हमारे फैमिली पंडित, जो जब भी पूजा पाठ होती है, कथा होती है, तो हमेशा इन्हीं को हम बुलाते हैं घर पे अपने। तो ये गद्दे बिछ गए हैं, पंडित जी तैयारी कर रहे हैं और सभी गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर कथा स्टार्ट होगी।
नहीं आ जाएगा उससे पहले तो अभी चल दिया हुआ वहाँ से चल दिया निकल गया। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत आंटी हाथ लगा लो अंकल जी आंटी हाथ लगा लो हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः विष्णुः पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो वाहनी दूतियै परार्ध श्री द्वारा कल्पि वैवस्वत् मनम द्रष्टा व्यं सतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम तो आप लोग शुरू करवाना शुरू कर दें कथा का तो जो है ठीक है आगे आइए आ जाए श्री सत्यनारायण पूजनम कथा यथा संकल्पं च अहं कारिष्ये भवानि सहितं नमामि हरि ओं जय लक्ष्मी रमणामि जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी प्रसाद के इंतजार में हम सब हाँ हाँ पंडित जी बस एक सेकंड के इंतजार में खड़े हैं हाँ तो यही तो चैनल के लिए वीडियो हमारा प्रसाद के लिए खड़े हैं करो मम्मी मामी मम्मी जी नछावर कर रही हैं जो है बच्चों के मुंडन ये है आंटी भी मीना आंटी भी कर रही है देखिए आप देखिए मामी कर रही है दादी कर रही है अब दादी छोटी भाई दादी अच्छा 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 ये कहाँ फिरोजा अरे यार टकली वाला है ब्लॉग वाला ब्लॉग वाला बन रहा है करो भाई आया है ये दो लड्डू तो फ्रेंड्स हम मंदिर में आ चुके हैं ये शेफाली का भाई है सारे गेस्ट आ चुके हैं अब मुंडन स्टार्ट होगा तो बस जो सबसे मेन आदमी है मुंडन के लिए नाई उसका वेट हम कर रहे हैं जैसे ही आता है वैसे ही मुंडन स्टार्ट होगा प्रसाद भेजा है पंडानी में ये मेरी मौसी है ये मामी है हाँ अब मैं चढ़ा दिया है प्रसाद अब मुंडन होने आ रहा है मुंडन की तैयारी हो रही है ये देखो एक बच्चा घूम रहा है मुंडन वाला इसके बाल कटने वाले हैं अब ये गंजू पटेल जाएगा और एक दूसरा कहाँ गया दूसरा भी टहल ला कहीं पता नहीं कहाँ गया अरे निकी आ गया हो ना याद हो निकी
निक्की निक्की यहाँ से आ जाओ ना। इन्हीं लोगों ने शिवाली एक बकरे को दूसरे बकरे को कटते नहीं देखते नहीं। शैम्पू नहीं करोगे भैया? भाई तू बना रहे ना भैया, देख ले फोकस में। भाई बढ़िया बननी चाहिए। पापा गोद बड़े गोद में, पापा गोद में, गोद में पापा गोद में। अरे यार वीडियो बनानी है, तो चंगल बैठा। ये मम्मी तो बुढ़ा हमारे हैं, छोटा हो गया मधुर बुढ़ा जी। हाय आज अलेवा शांति से बैठा बेचारा। आयाश को मजा आ रही है झंझट छूटा बाल से। क्या करना बोलो भाई, छुटका आया भी आएगा ना नोचे का कार्यक्रम तो असली अभी शुरू होगा जब छुटका आएगा। अब ये है रियांश जिसके बारे में हम सभी को डर था कि ये बहुत रोएगा, पर इसने भी सोचा कि ये सब मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, मैं सबको गलत साबित करूंगा, मैं बहुत ही अच्छा बच्चा बनके मुंडन कराऊंगा। और इसने वही किया, इसने बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे ढंग से बैठ के मुंडन करवाया। जो तुम्हें चाहिए इधर देखो, इसने किया क्या वैसे? ये बच्चों को लेके हिलाना नहीं है, गिफ्ट में मुंडन मिलेगा दोनों का, दोनों के बाल कटेंगे, दो के साथ एक फ्री मुंडन, चार मुंडन, दो के साथ दो फ्री, दो के साथ एक फ्री, दो हो गई। आशु कहाँ है? अरे आशु, आशु
आशु भैया खड़े रहो आशु सतना चल रही हो तू जो है आशु लो जी पैसे डाल डाल दी डाल दी अच्छा कैसे नछावर कर दे लड़कों के दोनों बच्चों का मुंडन हो चुका है तो एक बहुत बड़ा काम खत्म हुआ। बहुत ही अच्छे ढंग से दोनों बच्चों ने बिहेव किया, बिल्कुल भी नहीं रोए। अब हमें करनी है शाम की पार्टी की तैयारी, जो क्योंकि शाम को बड़ी ग्रैंड पार्टी है और मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने ये गाउन पहना हुआ है और मेकअप मैंने खुद किया है, सिर्फ हेयर स्टाइल थोड़ा बाल स्ट्रेट करवाए हैं पार्लर में जा करके, बाकी मेकअप मैंने खुद किया है। और बताइएगा मुझे कमेंट करके मैं कैसी लग रही हूँ और आपको मेरा गाउन कैसा लगा। और ये है हमारा आयांश जो कि अपनी मुंडन पार्टी को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर रहा है और बहुत ही बढ़िया डांस कर रहा था ये। सनी मेरी वीडियो बना दो यार। यस मैम, इधर देखिए मैम। अभी आओ, अभी आओ, अभी आओ। एंड वी गर्ल्स इन अ पार्टी मूड और बहुत ही लाउड म्यूजिक बज रहा था बैकग्राउंड में, हमने बहुत ही एंजॉय किया। और एक भाई का बनाओ लाल, ये रहे मैंने ले लिया।
थी कि हमारी चेयर चली गई, हम दोनों और ये हमारी भाभी जो भी है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। कपल गेम्स भी हुए जो सभी ने बहुत एंजॉय किया, हम सभी लाइन में खड़े होके एंजॉय कर रहे थे। अरे यार उसने गलत बोल दिया। सभी ने बहुत एंजॉय किया, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने बज रहे थे जो कि हम सभी को बहुत पसंद आ रहे थे। कॉपीराइट की वजह से मैं बहुत सारे गाने आपको नहीं सुना सकती, तो इसलिए मैंने म्यूट कर दिया, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। Because
होने वाला है और अब इसके बाद गर्मा भी यहाँ से वाइंड अप करेगा। और कल की पार्टी का हम आपको कल अपडेट करते हैं, कल मटन पार्टी ये। आज हम पार्टी खत्म होने के बाद जा रहे हैं शॉपिंग करने। ये भाभी हमारी यहाँ ये कहाँ से, मध्य प्रदेश से, इन्हें को सामान खरीदना है तो हम इन्हें दिखाने जा रहे हैं गाजियाबाद का मॉल। अरे नहीं, मुझे बहुत मजा आता है ब्लॉग देखने में। गाजियाबाद भी देखेंगे सच में। नहीं जो दुकान आपको ले आ रही ना भैया, अभी बाकी अच्छी दुकान है। मैं उसमें बोल रही थी। नहीं वैसे मैं वैसे आ रही हूँ, दुकान काफी अच्छी है। हाँ। हमें वहाँ जाने की जरूरत है, ऐसी भी मैं करती थी ब्लॉग बनाने के लिए। अच्छा उसके खाने का पहले भाभी को कल दिखाए थे। हाँ रिलायंस में डालते हैं। हाँ अरे बहुत वैरायटी है, दो तीन दुकान यहाँ देख ले रहे हैं। हाँ पसंद आ रहा है कोई तो बहुत कड़े कड़े है ना ये। ये ब्लैक पर देखो अभी अच्छा लग रहा है, ब्लैक पर पीछे वाला। और ये कॉर्ड सेट्स जो कि 500-500 रुपए के मिल रहे थे और ये बहुत ही कंफर्टेबल है और इजी टू वियर है, आप कभी भी इन्हें कैरी कर सकते हैं और देखने में भी काफी अच्छे थे। आप देखो मैं तो वीडियो ना रही हूँ, मैं वीडियो ना रही हूँ। मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा था पर ये नहीं अच्छा लग रहा, ब्लैक कलर का नहीं चला रही है। हाँ ये अच्छा ऐसा कलर अच्छा है। हाँ ये कलर अच्छा है भैया, निकाला है ना ये साइज। नहीं फ्री साइज तो है मगर हम तो फ्री साइज में भी नहीं आते ना, पीछे पैर यार ये अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। हाँ ऊपर जाके देख लो, चाहे तो लगा के देख लो आ जाएगा। ये अच्छा लग रहा है बस मुझे इसमें। भैया कितने लगाओगे वाला? अरे भैया अभी उसी दिन लेके गई है ये वाला पैटर्न सेम का अलग है। सब कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा था पर इतनी भीड़ थी और लग रहा था कि दिवाली पास आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो हमने काफ़ी कुछ लिया नहीं, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया एक जगह पे, बस सिर्फ देखा और कुछ ही चीज़ें हमने सिलेक्ट की। और ये वही शॉप है जहाँ मैंने और शेफाली ने गाउन लिया था, भाभी को गाउन बहुत पसंद आया था तो हम उनको वैसी शॉप में लेके आए थे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे सूट्स थे, सेमी स्टेज फ्रॉक सूट भाभी को हमने काफी सारे ट्राई करवाए, काफी अच्छा कलेक्शन है इनका यहाँ का। पर ये तुमने पहना था हमें डर लगा था बहुत, ये वाला कलर। हाँ ये कलर पहना था मैंने, ये डर लगता ही। हाँ ये ऐसे अच्छा लग रहा है, डर होता है पहनने के बाद। ये अच्छा लग रहा है, इसका और भी कलर, इसमें और भी कलर नहीं आएंगे बेल्ट वाला है। इसमें तो आपको एक ही होगा, ये वन पीस टाइप में, ये एक ही पीस है आपके पास। तीनों बेल्ट वाले हैं, मिल जाए नहीं ये है, मुझे ये नहीं चला रहा इस पहनने वाला अच्छा लगता है फिटिंग के बाद। कपड़ा अच्छा है, वो हल्का भी लगेगा पहनने में पर बहुत चल रहा है।
देखेंगे तभी तो पसंद। हाँ ये बंदी भी है, ये अच्छा लग रहा है ना, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये कलर भी बहुत अच्छा, ये भी अच्छा लग रहा है, पर डोंट ये वाला ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा लग, इसकी बेल्ट है ना, ये थोड़ा लुक बेल्ट सा आ रहा है, ये थोड़ा साड़ी जैसा लुक। हाँ ये वाला, ये कुछ हैवी में भी दिखा देते, ये ब्लैक वाला था फुल, ये इसका दुपट्टा है, अच्छा लग रहा है, ये बेल्ट बढ़िया लग रहा है। हाँ बेल्ट भी लगा लो तो और लुक आएगा, बाकी अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं मैं दिखा रही ना आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सामने देखो शीशा। भाभी के सूट सिलेक्ट करने के बाद मुझे भी लालच आ गई, तो मैंने सोचा मैं लगे हाथ अपने लिए भी ले लेती हूँ। तो ये पाकिस्तानी सूट था जो मैंने ट्राई किया, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे येलो कलर में ही सूट चाहिए था, मेरे पास येलो कलर में सूट बहुत कम है। फिर मैंने दूसरा वाला सूट ट्राई किया, ये भी येलो कलर में था, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि दिवाली भी आ रही है। तो और उसके बाद फिर हम ट्रेंड्स गए, वहाँ पर हमने बहुत सारे इंडियन कलेक्शन देखा, जिसमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, इतना कुछ खास नहीं लगा, तो हम बस देख के ही वापस आ गए। फिर हम सब एक रेस्टोरेंट में आ गए थे जिसका नाम था 0 डिग्री। तो यहाँ हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की और फ्राइड चिकन ऑर्डर किया, काफ़ी कुछ मतलब यहाँ पर मेन्यू में था। फिर हमें ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि दिन में ही हैवी हमने नॉनवेज खाया था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया। पर कोल्ड कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, हेज़लनट कोल्ड कॉफ़ी तो बहुत कम ही जगह मुझे अच्छी लगती है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी। अब भाभी जा रही थी वापस और बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर मुझे। थैंक यू, जल्दी आएंगे मम्मी, माचिस तीली देंगी पैसों की जगह, ये क्या माचिस तीली देंगी, इसे रखी भैया। भाभी अब वापस जा रहे थे, धीमे धीमे सारे गेस्ट अब जा रहे थे, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब शादी मत करा दीजिएगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगल सूत्र पहनाओ। इतना मंत्र पढ़ रही है। हाँ मीठा बाहर लग जाके कैसा लगा आप लोग को? चल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फंक्शन था। कमेंट्री सनी कर रहा है जो कि सबसे छोटे याची का बेटा है, और ये बहुत ज्यादा फनी है, ये भी पुणे से आया था। काट देना। आ गया। ताई जी भी जा रही है क्या? बाय हनी, बाय हनी। आगे क्या बैक पर बैठेंगे क्या? दूसरी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? आगे क्या? हाँ सही है। बाय। पत्नी का ख्याल रखना। बाय। चलो आते हैं। बाय मम्मी। बाय भैया। हैप्पी जर्नी। मुड़ जाता है। अगले साल मुंडन में फिर आइएगा। नन्नू क्या कह रहे हैं कि मैं तो हर 6 महीने मुंडन आ रहा हूँ। तुम्हारी शादी में आएंगे भैया, रितु की तुम्हारी पहली पहले। ये ताई जी को ऐसा क्यों लग रहा है, हल्दी लगी हुई है देखो जरा कैमरे में। हाँ पीला पीला दिखाई पड़ा। हल्दी तो नहीं लगा गई? वो शेड शेड पड़ा, शेड। आइए। अरे इतनी जरूरत नहीं है, पूरा दीजिए। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। थैंक यू भाभी। बाय बाय। रास्ते में किसी वजह से लुटाते जाइएगा।
खिड़की को लाइए हमको दे दीजिए रितु जी का हो गया खेलने का शेफाली अभी खिड़की बोल के लुटा दी क्या हम लोग लूटने आ रहे हैं खिड़की बोलिए और मेरा भी रहे मेरे डॉग ओटीपी दे दो ओटीपी अरे ओटीपी लो पकड़ो भूल गया ओटीपी दिया कैरी ओटीपी ओटीपी 9 8 9 7 5 ऑल द बेस्ट हैप्पी जर्नी बाय 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 बाय। और अब वो दिन आ गया था जब सब धीमे धीमे सब लोग जा रहे थे तो यहाँ पर विदाई होने जा रही है बड़ी बुआ और छोटी बुआ की। उनको मम्मी गिफ्ट्स दे रही जो उनके लिए लेके आई थी तो पहले बड़ी बुआ को और फिर छोटी बुआ को। तो सब लोग यार मेरे को गिफ्ट मिला वो दिखा दो क्या क्या दिया हमारा काम ही गया रे कैमरे की तरफ देखो पहले कैमरे तरफ देखो डर लग रहा है आप लगा दिया अब इसके बाद फिर अब आती जाती रहेगी सभी दिखा दो बुआ को क्या बढ़िया मिला है। अरे वाह बहुत सुंदर है भाई वाह मजा आ गया वाह वाह बहुत बढ़िया आप आ अब आओ अब दूसरा लेकर आ रही हूं आइए धीरे धीरे फोटो खींचो बड़ी बुआ है ये दोनों बुआ को दिया जाता है अरे वाह भाई वाह बुआ क्लैपिंग गिफ्ट का है ढक्कन इसी का डिब्बा फूफा जी को मिलेगा अरे वाह बहुत बढ़िया तम्बाकू रखने के लिए ओपिनियन ऑफ व्हाट रिफिल कर रहे हैं अबाउट द गिफ्ट व्हाट हाउ यू फीलिंग इट आई एम फीलिंग बेटर आप कैसा महसूस कर रही हैं क्या बताओ कैसा लगा आज के पेपर के बताओ बताओ बुआ फटी हो गएगी अब मुझे सर्जरी की जरूरत नहीं अरे बताइए आपको अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा वापस कर दीजिए फिर दोबारा ऐसी उम्मीद रखेंगी अब हर साल रखेंगे हर साल ठीक है हर साल मुंडन होते रहेंगे फिर हर साल नहीं लोगे पोसे हुए बोले हर साल एक बच्चा मिले वो ना अरे वो डायलॉग वाला बोलो बस हो गया चलो आप कल सारे गेस्ट चले आएंगे शादी में तो आपको खीर मिलेगी बिरयानी पहले गोल्ड फिक्स हो गया। आज मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है अपनी दोस्त के यहाँ उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी है उसकी बहुत प्यारी सी बेटी है उसकी आज पार्टी है तो बर्थडे पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ तो आपको भी अपने साथ ले जाती हूँ और दिखाती हूँ वहाँ पर क्या क्या मस्ती हम करते हैं और हम सब वहाँ पर इकट्ठा होंगे छोटा सा गेट टुगेदर टाइप का है तो हम वहाँ पर सब इकट्ठा होंगे और तो आप भी चलिए मेरे साथ आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या मस्तियाँ की वहाँ पर। मुंडन सेरेमनी अच्छे से कंप्लीट हो गई थी सारे गेस्ट जा चुके थे तो अब देविका के बच्चे की बर्थडे पार्टी थी तो मुझे वहाँ जाना था मैं वहीं वहाँ के लिए तैयार हो गई थी और मैं सोचा कुछ उसके लिए ले लूँ तो मैं शॉप पर गई तो मुझे कुछ ड्रेसेस पसंद आई तो मुझे ये ब्लू कलर वाला जो श्रग वाली ड्रेस है ना मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि देविका भी दुबई जा रही है तो वहाँ पर थोड़ी सी ठंड होगी हल्की सी तो वो पहन सकती है उसकी बेटी तो मैंने ये ब्लू वाला ही लिया जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। हाय बाबी बहू कैरी मेरे फ्रेंड्स आ गए फ्रेंड्स आ गए इनके फ्रेंड्स आ गए अरे वाह हैप्पी बर्थडे फ्रेंड्स तो आप कह रहे थे लेट आओगे और आप आ गए और बोलो नहीं आए बोलो के फ्रेंड आ गए कैरी मेरे फ्रेंड्स आ गए घूमने जाऊंगी हाँ बड़े घूमने कहाँ कहाँ जा रहे हो घूमने कौन है ये बाबिका को तो किसी देखा ही नहीं आज हेलो बाबिका बाबिका मेरे मेरे फ्रेंड्स आ गए कहाँ जा रहे हो बताओ ना दुबई दुबई तुम कब आई अभी आई हो बस अब एंटर हुई अच्छा हाँ हाँ अरे मैं दोबारा गई घर पता आपको हा? मैं दोबारा घर गई एक्सीडेंट करवा रहे आंटी मैं अरे मैं
खुद बना लूंगी यार, तुम क्यों परेशान हो रही हो। चाय हमारा रिचुअल है, हम कहीं भी आते पहले अपनी चाय कोल्डी को शेक हो कुछ भी हो चाय तो बनती ही है। चाय किसने बनाए ऐसे बना सकते हैं। हाँ। देविका से पूछना पड़ेगा, देविका से चाय बना ले। हाँ। आंटी अंकल हाँ। बनने वाला है पिज्जा। देविका अपनी पूरी कोशिश में है कि पिज्जा बने और होपफुली अच्छा बन जाएगा। ये देखो पिज्जा जा रहा है अंदर। ये गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट अपनी कुकिंग में अपना हाथ दिखा रही है। इसका स्टैंड होता है, यहाँ पर बन रही है चाय। इसमें चाय पत्ती कम लग रही है यार, और डालनी पड़ेगी यहाँ। और ये क्या है? अरे वाह, नूडल्स हैं। और ये बर्गर की तैयारी है। ये पिज्जा बहुत खाने में अच्छा होता है। वो भी आने के बर्गर और पाव भी बढ़िया से, ये बहुत बढ़िया होगी। चिली फ्लेक्स भी है, मैंने इसलिए डाली, बच्चों की वजह से ऊपर से डालनी होगी तो आप डाल लेना, और डाल जाएगा। कैसा है? कैसा है? हाँ के देखो ना एक बार, खाया भी नहीं बट हाँ चलो चलो सर कर बच्चा पार्टी दोस्त कोई पिज्जा ऐसा खाएगा नहीं। अरे देखो हाथ अभी गर्म है। मम्मी आंटी नमस्ते। अरे ऐसी लो ये पकड़। अरे आंटी ले आई ना, इसी में दे दो बस बच्चों को। इधर आ जाओ, इधर बच्चों पिज्जा खा लो। अभी अभी का आपको पिज्जा खाना है? अभी का पिज्जा, अभी का तो बस वही पनीर टेस्ट की बताओ भाभी। पिज्जा पिज्जा इतना मेल्टेड हो रहा है। हाँ हाँ गर्म होगा, आराम से खाना। बढ़िया है, चीज फूल हो रहा है, चीज फूल आ रहा है, चीज फूल आ रहा है। हल्का सा इसमें नमक, इस वाले में थोड़ा सा नमक हल्का सा और डाल। कैसा है टेस्टिंग चली मेरी पिज्जा की टेस्टिंग? हाँ अच्छा बना आंटी, अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। अच्छा बना भाभी, बहुत अच्छा बना, बहुत बढ़िया बना। पार्टी हो रही है, है ना? भाभी का पिज्जा खाएगी? पिज्जा खाएगी? सब खाएगी? पार्टी हो रही है, कौन आया है घर पे? कौन आया है? क्या कर रही भाभी का? साइकिल चला रही है। साइकिल चला रही है? अरे वाह, अरे वाह, अरे भाई इधर आ तो चिता। आज बर्थडे किसका है? बर्थडे किसका है? दीदी का बर्थडे। अरे वाह, भाभी का पिज्जा नहीं खाएगी? खाएगी पिज्जा? पिज्जा खाएगी? इसका एक मैंने स्वीट कॉर्न का काट दिया है। ये पिज्जा तो बहुत जबरदस्त बना है, ये वाला बल्कि ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये पिज्जा जो है आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स वाला है ना, तो ज्यादा अच्छा है। दो तीन ट्रायल हो चुके हैं ना, ये एक्चुअली वो है, ये एक्सपीरियंस पिज्जा है, एक्सपीरियंस पिज्जा है, हो चुके हैं। हाँ डर भी जाएंगे। ये लाइट ऑफ करके बीच वाला जला देते हैं। भैया फोटोज खा ले आएंगे फिर? हाँ फोटो के लिए बैठे, हाँ बैठे चाहिए। ये वाली चुनाव ब्राइट चाहिए। भाभी का जो शोर जोर शोर से भूख मारने तैयार है।
देखो जाओ जाओ साथ में जाओ। कर लिया हो जाओ यार। आ जाओ भी पार्टी कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी पार्टी हो, डांस के बिना तो हम हमारा सब कुछ अधूरा ही रहता है। तो हमने यहाँ भी बहुत सारा डांस किया हम तीनों ने और काफ़ी मज़ा आई। और जो है डांस के बिना पार्टी बिल्कुल अधूरी लगती है, तो डांस तो हमारा पार्टी में हर जगह होता ही है। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आई, हम सब ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। अच्छी तरह से हमने पार्टी एंजॉय की, पूरा अक्टूबर बहुत ही अच्छा गया। काफ़ी सही शॉपिंग हुई, मुंडन सेरेमनी हुई, बर्थडे पार्टी हुई, मैंने खूब एंजॉय किया। और होपफुली आपको भी मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।